अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है, ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे कोई भी हो उसको मुफ्त टीका लगेगा, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। अभी सभी संबंधित उत्पादक हॉस्पिटल्स इनसे चर्चा करके ये भारत सरकार 10,000 सरकारी केंद्रों पर 45 से उम्र के ऊपर जिनको कोई दूसरी बीमारी भी है और 60 के ऊपर कोई भी है, कोई बीमारी नहीं है तो भी उनको ये टीकाकरण 1 मार्च से शुरू होगा सोमवार से।